शायद ही आप कोस्टारिकन रॉक बॉल के बारे में जानते हो। साइंटिस्ट को भी ये मालूम नहीं। इसला डेल कानो के छोटे से आइलैंड कोस्टारिका में डिक्किस डेल्टा पर 300 से अधिक पत्थर के शेप है। 1930 के दशक में 16 टन वाले इन पत्थरों को खोजा गया। हैरानी की बात यह है, इसको बनाने में जिन पत्थरों का इस्तेमाल हुआ वह आसानी से नहीं मिलते। सबसे छोटे पत्थर की शेप किसी टेनिस बॉल जैसी है और सबसे बड़ा 9 फीट के डायमीटर का है। जंगल के 25 एकड़ में 300 से ज्यादा पत्थर के गोले बिखरे हुए हैं। इनमें से ज्यादातर गोले मैग्मा से बने ग्रेवो नाम के पत्थर से बने हैं। इन पत्थरों को छोटे पत्थरों से पीटकर, घिसकर और हथौड़े से मारकर चिकना किया गया है। घने जंगलों में ये डिजाइन किसने बनाया आज भी एक रहस्य है। इंडिया गेट प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले 70,000 सैनिकों को श्रद्धांजलि है। इंपीरियल वॉर ग्रेव्स कमीशन ने सर एडविन द्वारा डिजाइन की गई इस लंबी स्ट्रक्चर को बनाया गया। इस स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन ड्यूक ऑफ कनाट क्वीन विक्टोरिया के तीसरे बेटे द्वारा ब्रिटिश भारतीय सेना चेम्सफोर्ड वायसराय इंपीरियल सर्विस ट्रूप्स और कमांडर इन चीफ के ऑफिशियल की अप्रेंस में 1921 में इसकी नींव रखी गई और इसका इनोग्रेशन 1931 में वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया। बाद में 1972 में एक नया स्ट्रक्चर अमर जवान ज्योति 1971 के भारत पाक युद्ध के बलिदान देने वाले सैनिकों के सम्मान में जोड़ा गया। यह प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए सैनिकों की सबसे बड़ी युद्ध कब्रों में से एक है। इंडिया गेट आर्क डी ट्रायंफ जैसा दिखता है, जो फ्रांस के पेरिस में स्थित है। दुनिया का लगभग हर कोना आज भी किसी न किसी रहस्य से भरा है। इस तस्वीर को ध्यान से देखने पर जानवरों की शेप में नजर आती है। साउथ अमेरिका कंटिनेंट में स्थित पेरू में करीब 2000 साल पुरानी इन नाजका लाइंस का रहस्य कोई नहीं जानता। इंसान कुछ समय के लिए सोच में पड़ जाता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। ये इतनी बड़ी है कि इन लाइंस को जब कोई व्यक्ति जमीन से देखता है तो लाइंस बहुत ही सामान्य दिखाई देती है, लेकिन जब आसमान में हवाई यात्रा से देखा जाए तो इन लाइंस को देखने के बाद कि ऐसी चीज आज भी अस्तित्व में हो सकती है। 1930 में इसे ढूंढा गया, लेकिन ये कैसे बने साइंस को भी नहीं पता। कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आज से सदियों पहले 1063 BC में बनाया गया पाटन में स्थित सीढ़ियों वाला कुआं 64 मीटर लंबा है। लगभग 1000 साल पुराने इस कुएं में सरस्वती नदी का पानी इकट्ठा करके निजी कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सरस्वती नदी के विलुप्त होने के बाद 700 साल तक यह कुआं गाद में दबा रहा। हालांकि कुछ वर्षों पहले इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसे खोज निकाला। आपको शायद अजीब लगे, मगर ये सच है कि बढ़ते समुद्र के लेवल में ग्लोबल वार्मिंग के कारण कई ऐसी जगह हैं जो आने वाले सालों में लुप्त हो जाएंगी। क्या आप स्टोनहेंज सीक्रेट के बारे में जानते हैं? इंग्लैंड के लंदन से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर सैलिसबरी में यह जगह है। पत्थरों से बनी ये शेप करीब 5000 साल पुरानी है। यह दुनिया की सबसे पुरानी मानव द्वारा बनाई गई स्ट्रक्चर में से एक है। स्टोनहेंज की विशालकाय चट्टानों की हाइट करीब 23 फीट है। इसमें 5 टन से लेकर 50 टन के वजन वाले पत्थर हैं। इन चट्टानों को ऊंचा खड़ा करके एक राउंड शेप में बनाया गया। यह एक तरह का सोलर कैलेंडर है। इसको केयरफुली सूर्य की गति के साथ अलाइन करने के लिए डिजाइन किया गया था। आखिर ये कैसे बना किसी को नहीं पता। गीजा का पिरामिड दुनिया का पहला और सबसे प्राचीन अजूबा है। जब इसे बनाया गया तो यह 481 फीट लंबा था। अब 4500 साल बाद यह थोड़ा छोटा हो गया। अब इसकी हाइट लगभग 380 फीट है, क्योंकि इसका टॉप का हिस्सा गायब हो गया। इसके बनने के बाद 3800 वर्षों तक यह पृथ्वी पर मानव द्वारा बनाई गई सबसे बड़ा स्ट्रक्चर था। इसका बेस 750 स्क्वायर फीट है और बड़े स्टोन के ब्लॉक से बना हुआ है। मेनली ये चूना पत्थर के ब्लॉक पिरामिड के पास के क्षेत्र से काटे गए हैं। यह एस्टीमेट लगाया गया कि पिरामिड पत्थरों की कुल संख्या 1,260,000 से 2,300,000 के बीच है और इसका वजन लगभग 6,000,000 टन है। भारत में कुछ ऐसी जगह भी हैं जिनके नाम जानकर अपनी हंसी रोक नहीं पाओगे। गधा का तो मतलब सभी को पता होगा। ये गुजरात के हिम्मत नगर में मौजूद है। गंदे नाम की ये जगह झारखंड में गिरिडीह जिले में मौजूद है। वैसे इस जगह का नाम गंदे ही है। ये जगह और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। काला बकरा गांव पंजाब के जालंधर में मौजूद है। और इसे काला बकरा क्यों कहते हैं, यहाँ काले बकरे ज्यादा हैं या कुछ और वजह है, ये तो यहीं के लोग बता सकते हैं। ले लूंगा ऐसी जगह, ये गांव का नाम है जो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में है। कैसा हो अगर आपको कोई चिढ़ाने के लिए पनौती बोलता हो और उन्हें पता चले कि आपका गांव ही पनौती है। वैसे इस गांव का नाम पनौती क्यों है, पर ये गांव उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में है।